अच्छा तो लास्ट में मैंने रेंडर का बता दिया था कि रेंडर से किस तरह से बनाओ इसको कनेक्ट करेंगे, और मैंने ये कहा था कि कोई सादा पे या इस तरह की कोई सर्विस ले लो और उस पर मतलब वर्चुअल कार्ड अपना लगा लो। तो उस आई थिंक इस लड़के का हमने किया था, तो वो डिप्लॉयड यूआरएल जरा सेंड करना, जो फ्लो वाइज की डिप्लॉयड यूआरएल थी ना वो एयरपोर्ट शेयर पे शेयर। बल्कि तुम लैपटॉप लेकर आए हो, एक बार रिमाइंड करवा दो ताकि फिर जब लोकल पे जो काम हो रहा है ना फिर वो भी बता दो कि लोकल पे किस तरह से लैपटॉप लेकर आए लड़के। GitHub Copilot एक तरीके से आपके कोड को ना जैसे चैट जीपीटी करता ना, पहले Copilot बहुत ज्यादा वो हुआ था कि आप सिंपली उसको कॉन्टेक्स्ट दें और ऊपर आपको कोड लिख के दे देता है। प्रीमियम है आप, फिर अब वही चीज अब चैट जीपीटी कर रहा है। ब्लैक बॉक्स से फिर एक और एक आती है सर्विस जिसकी एक्सटेंशन है, क्या नाम है उसका, पिंक कलर का उसका लोगो है, टैब नाइन करके सजेशन देता है। हाँ ये टैब नाइन है, ये भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा इसकी एक्सटेंशन है उस पर पीएस कोड पे बाय डिफॉल्ट, मैं भी सिर्फ दिखा रहा हूँ इन केस कभी यूज करना हो तो आप लोग यूज कर सकते हैं। सिंपली आप टैब ना अच्छा ये फ्लो वाइज को हम जल्दी से फिनिश करने के बाद हम आएंगे डायलॉग फ्लो पे आगे, ठीक है। ये इसके तकरीबन कितने 6 लाख ये कितने इसके वो हैं डाउनलोड, सॉरी 6.3 मिलियन, तो बहुत पॉपुलर एक्सटेंशन है। अच्छा मैं क्या करता हूँ भाई इसको एनिटेस इसमें नहीं होगा ना, खैर बस अभी 2 मिनट का काम है हमारा, बस मुझे ये दिखाना है कि ये डिप्लॉय किस तरह से हुआ ताकि आप लोग जब डिप्लॉय करो ना तो इजी हो जाए आपको, डाउनलोड वगैरह में टाइम लग जाएगा। अच्छा स्क्रीन विजिबल हो रही है, एक मिनट। अच्छा सबसे पहले क्या करना है, render.com में आ जाना है इस तरह से, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। क्लियर है ना, सही है सही, ठीक है। सिंपली इसमें क्या करना है, आपने जाना है ये render.com की वेबसाइट होगी, इसको दूसरे टैब पे मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये सर्च करोगे render.com तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे आप साइन इन का, अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैंने साइन अप वगैरह किया हुआ है तो मेरे पास डायरेक्टली डैशबोर्ड आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आपके जिसमें जैसे ही जाओगे उसके बाद वेब सर्विसेज को सिलेक्ट करना, वहाँ पे स्टैटिक और बहुत सारे ऑप्शन होंगे। वेब सर्विस बेसिकली डिप्लॉयमेंट या बैकएंड डिप्लॉयमेंट के लिए इसमें यूज होता है।
अच्छा वो फिर आपसे कार्ड का बोलेगा कि भाई कार्ड ऐड कर दो, और आपके अकाउंट में तकरीबन लाइक चार्ज कितना तुम्हारे घटे मतलब यानी कि कितने उसने क्रेडिट किए थे फिर वापसी कर दिए थे? 369 पैसे वापस आ गए थे ना, तो 300 मतलब 400 रुपए अपने अकाउंट में ऐड कर लो उस, और फिर मतलब बाद में निकालो। यार वो चेक करता है कि आपकी जो आपका जो अकाउंट है वो वैलिडेट है या नहीं, वो मतलब यानी कि रनिंग में है या नहीं। ऐसे होता है ना कि हम छोड़ देते हैं, तो हम जैसे पाकिस्तानी है हम मतलब सारे बैंक में पैसे आते नहीं है, सारे पैसे निकाल लिए, तो ये चीज है, तो सबका ख्याल करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा डैशबोर्ड पे सारे स्टेप्स करने के बाद, आप लोग आ जाओगे कहाँ पर? डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में। जैसे डैशबोर्ड पे आओगे ना, यहाँ पर आएगा न्यू का ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास जब एंटर होगा ना डायरेक्टली, तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज यहाँ पर फ्रंट पे शो करेंगे। सिंपली जाना वेब सर्विसेज को सेलेक्ट कर लेना। अच्छा वेब सर्विसेज सेलेक्ट करने के बाद अब वो पूछेगा ना भाई कौन से कोड को डिप्लॉय करना है या कौन सी चीज को डिप्लॉय करना है। तो बता दें कि भाई मेरी गिट की रिपोजिटरी है, क्योंकि हम गिटहब पे इसको अपलोड करेंगे देन इसको डिप्लॉय करेंगे, तो गिटहब का आपने वो बढ़ जाना। अच्छा अब ये फ्लो वाइज कहाँ से आया? फ्लो वाइज आया, आपने क्या करना है flowwiseai.com की वेबसाइट पे जाना है और स्टार्ट द गिटहब, ये सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दो, गिटहब की रेपो पे ले जाएगा। ठीक है, गिटहब की रेपो पे जैसे ही लेकर जाए आप इसको क्या कर लो, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इसको फोक कर लो। जब फोक करोगे ऑटोमेटिकली आपके लोकल पे वो चीज बन जाएगी, तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए सारी चीजें सेटअप करना। ठीक है, फोक करने के बाद आपके डायरेक्टली उस पर आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि ये चीज अब आ जाएगी तुम्हारे रेंडर के डैशबोर्ड पे। सॉरी आ गया, ये रहा सही है, यहाँ पर इस तरह से शो अप हो जाएगी। जैसे ही शो अप हो सिंपली कनेक्ट करना है, ऑलरेडी मैंने डिप्लॉय किया हुआ है तो मैं उसको छेड़ नहीं सकता। या लेट्स सी कि अगर हम इसको दोबारा डिप्लॉय करें तो क्या होगा। ये बस बता दूं कि ये स्टेप ये किस तरह से करो। अब वेब सर्विसेज के नाम रख दो भाई के फ्लोवाइज डैश यूआई मैं कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फ्लोवाइज के नाम से। अच्छा ये इसको फ्री सेलेक्ट करना, वरना फिर एक महीने बाद तुम लोगों को एक झटका लगेगा कि भाई मेरे अकाउंट से 1800 रुपये कहाँ चले गए। 1800 या 2000 के करीब पे $7 पर मंथ के हिसाब से कटता है ना। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ना कि भाई इतने डॉलर की मतलब आपको पे करने हैं, कभी ना कभी तो पैसे डालोगे ना। $270 कुछ चल रहा है। नहीं भाई, ओपन मार्केट में जो प्राइस होती है ना वो ज्यादा होती है। अगर आपके यहाँ पे 300 चल रहा है ना, तो ओपन मार्केट में 318-320 इस तरह से चल रहे होते हैं। ओपन मार्केट की प्राइस अलग होती है, फिर आप लोकल जो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसकी प्राइस अलग होती है। बड़े पंचायत है मतलब ग्लोबल पेमेंट पे, ये सारी चीजें देख लो अभी से ही, क्योंकि जब आप रिमोट वर्क करते हो ना तो वहां पे बड़ा ये चक्कर होता है। अभी जैसे डॉलर गिर गया अचानक, रो रहे हैं बहुत सारे हम जैसे लोग, तो ये सारी चीजें होती हैं। कल ही आई थिंक 10 रुपए गिरा है, मतलब अच्छा खासा नुकसान। हाँ 279 भाई ना, 10 रुपए गिरे हैं तकरीबन एक दो दिन में, बोले 250 तक जाएगा, देखो क्या होता है। खैर अच्छा भाई, ये सिंपली ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉकर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि कंटेनर ऑलरेडी इसने ये जो फ्लो आई है ना वो एक डॉकर पे वो हुआ है, बिल्ड हुआ है। तो सारी चीजें ना आपको सेटअप कुछ भी नहीं करना है, बस आपने ये यहाँ से अपने इसका नेम रखना है, एंड देन आप क्या कर सकते हो उसको फ्री बस सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट वेब सर्विसेज जैसे ही करोगे तो वो कुछ प्रोसेस करेगा। अच्छा फ्री वाले टायर है तो तकरीबन 10-15 मिनट डिप्लॉयमेंट में लेते हैं और फिर वो डिप्लॉय हो जाते हैं। अच्छा इन केस अगर इशू हो तो फिर किस तरह से करेंगे सर? आपने क्या करना है, डॉक्स फ्लो आई सर्च करो। तो यहाँ पर भी ना इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली AWS पे डिप्लॉय करना था तो मुझे स्टेप्स बताई थे, और इंटरनेट पे AWS के ऊपर किसी ने नहीं बताया। रेंडर के बहुत सारे मिल जाएंगे, 90% वीडियोज रेंडर के मौजूद हैं, लेकिन AWS के थे नहीं, तो फाइनली फिर मतलब कर कर आकर हो गए डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन। हाँ यार
ठीक है, ये देखो रेंडर सबसे टॉप पे आ रहा है, ये आ गया पूरे सारे स्टेप से। अच्छा इसमें ना एक ऑप्शन होता है क्या, पासवर्ड भी लगा सकते हो। अभी जैसे ये ना ये डिप्लॉयड यूआरएल है, कहाँ गया, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा ना तो ये एक मुझे यूआरएल दे देगा। अब देखो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, इसको एयरफोर्ट शेयर पर रखता हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख सको। क्या हो गया, ये सो गया बेचारा। चेक करो, खुल गया। स्लो, हाँ इसी वजह से, क्योंकि हमने फ्रीज इंस्टेंस जो है ना हम यूज कर रहे हैं इस वजह से, लेकिन कल इतना टाइम नहीं लग रहा था। एक मिनट मैं इसके लॉग चेक करता हूँ। एयरफोर्स शेयर पता नहीं, एयरफोर्स शेयर की तरह था एक सर के स्टूडेंट ने बनाया था एयर डॉट सिसबॉल, वो भी बड़ा जबरदस्त था। एक मैंने बनाया वो पता नहीं लाइव है या नहीं अभी तक, इसी तरह की चीज है। तो मतलब वी ट्रांसफर में तो आप मतलब 2 GB तक का उसके पास है, ये 5 MB देता है, चल रहा है यार ये तो, इसमें कोई एरर नहीं है अभी तक। स्लो इस वजह से कि भाई हम गुरबत वाला मतलब यानी कि सस्ता वाला यूज कर रहे हैं। हाँ भाई $60 पे लगा दे तुम्हारा। अच्छा तुमको सवाल भी मिलेगा, इतने सारे लोग सीख लेंगे जल्दी। हाँ नहीं यार सेम है दोनों का। हाँ बेट तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग छोड़ दो इसको, क्योंकि इसके सर्वर मतलब यानी कि कोई एरर तो नहीं है। देखो बिल्कुल परफेक्ट, ये देखो ना तुम लोग रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट मार रहे हो। खैर ये समझ में आ गया, बट डिप्लॉय करोगे ना ये इस तरह से डिप्लॉय हो जाएगा, ये स्टेप्स थे डिप्लॉयमेंट के। ठीक है AWS मैं कोशिश करूंगा कि कवर अप कर दूं, लेकिन AWS तुम लोग खरीद नहीं पाओगे, वो बहुत ज्यादा उसकी महंगी सर्विसेज है। मतलब यहाँ पे तुम $60 नहीं दे रहे हो, फ्री क्रेडिट्स जो है ना वो समझो घेरने के लिए मिलते हैं। अब जैसे मैंने बताया मुझे मिले हुए तकरीबन $30,000 पाकिस्तानी 84 लाख रुपीज के अरी करीब। तो वो क्या है, अब स्टार्टअप आपका चल जाएगा तो आपका सर्वर उसी पे रहेगा, तो एक साल बाद फिर वो अपने हिसाब से चार्ज करेंगे। तो ये चीजें हो, हाँ फ्री इंस्टेंस पे 100, और कुछ आवर का भी कॉन्सेप्ट होता है ना उनके, 70 या 72 मतलब 250 या 300 आवर वो फ्री भी देते हैं स्टार्टिंग में। आगे भाई मेरे पास इस वाले भी खुल गए, मुबारक हो। ठीक है ये फ्लो वाइज की डिप्लॉयड वाली, एक तो लोकल है दूसरा है हमारे पास डिप्लॉयड वाला, ठीक है ना। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको मार्केट प्लेस पे जाना है। मार्केट प्लेस पे आई थिंक अभी कुछ चीजें नहीं दिखेंगी, मे बी पॉसिबल लोकल पे देखी हो। लोकल हमने किया था ना इसको यूज, मैं काम करता हूँ जनरेटिव पे। यार देखो लैपटॉप चेंज है आज, नहीं यही 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 अक्सर ये कहानी हो जाती है। npx slow wise start command है ना इसका, ये देखो ये इन्होंने ना कुछ बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ये कह लो कि टेम्पलेट्स हैं या कुछ इस तरह की चीजें। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ कि भाई वेब पेज क्यों है, ठीक है वेब पेज क्यों है क्या करेगा आपके इसको पेज क्यों है में वाला समझते आगे जो
लास्ट टाइम हम कौन सा कर रहे थे, फ्लो वाइज पाइन कोन वाला कुछ कर रहे थे ना, वो कर लेते थे, वो लास्ट टाइम आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ था ना, पाइन कोन वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, याद है वो कौन सा था? क्योंकि ऐसे ये होगा कि पाइन कोन भी वेब ब्राउजर नहीं, नहीं इसमें है नहीं पाइन कोन, ये वेब ब्राउजर नहीं है, वेक्टर स्टोर लोकल क्यू एन ए मुझे जहां तक लग रहा है, अच्छा लोकल क्यू एन ए भी इतना वो नहीं है, लेकिन खैर लोकल क्यू एन ए को हम हटाते हैं। कौन सा बोल रहे हो आप लोग? चेनिंग फ्रॉम चेनिंग ऑफ विथ वेक्टर स्टोर, नहीं नहीं ये नहीं है यार, वो छोटा सा था बिल्कुल, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें कवर अप हो जा रही थी ये भी ठीक है। हाँ ये रहा आ गया है कन्वर्सेशनल रिटेबल क्यू एन ए, ठीक है ये हमारे पास था। अच्छा भाई अब मैं क्या करता हूँ इसमें से क्या ढूंढे सर, चार्जर हाँ अच्छा भाई मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई इशू ना हो। अच्छा मैंने ये बताया था ना कि इसमें फ्री वाले में आपको क्या होता है, अगर 10 मिनट तक आप इससे बात नहीं करो ना तो आपका जो चैट फ्लो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ TXT फाइल की जगह हम क्या करते हैं यहाँ पे PDF अपलोड करते हैं, बल्कि मैं इसको डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ ऐसे। अच्छा कोई न्यू चीज अगर आपको ऐड करनी हो किस तरह से करोगे? अब मैं चाह रहा हूँ कि PDF हो, तो मैं यहाँ पे PDF सर्च करूंगा ना तो ये बता रहा है कि लोड डेटा फ्रॉम PDF फाइल, तो मैं इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। अच्छा ब्लूप्रिंट का किसी को कॉन्सेप्ट पता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग? हाँ ये वही चीज है, इसमें आप जो है ना एक तरीके से मैपिंग करके, अच्छा ये टोटली नो कोड है, मतलब कोडिंग की इसमें जरूरत है नहीं, खुश हो गए होगे सर अरे टेंशन नहीं, तो नहीं ऐसा नहीं है कोडिंग ऐसा, अब ये भी बनता ये भी बनती कोडिंग से ही है, तो ऐसा है नहीं कि कोडिंग से मतलब चीजें खत्म हो जाए। हाँ वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी देखिए, बट अच्छा भाई अब जितना अच्छा सजा सकते हो आप लोग सजा देना इसको। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूँ PDF कोई फाइल देखता हूँ जो कम MB की हो, जैसे ये है डेट मेथड्स जावास्क्रिप्ट के कोई कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है OpenAI की एम्बेडिंग्स ऐड करनी है, तो OpenAI की की मुझे चाहिए होगी, तो Air4Share पर मुझसे एयर इसकी की भेजो, अच्छा ये मैं ऐड कर दिया इसको, ठीक है मैं इसको सेव कर लेता हूँ इन केस कभी फ्यूचर में नीड पड़ेगी। अच्छा अगेन मैं क्या करूंगा इसको क्रिएट एंड देन सेम OpenAI की चाहिए। अच्छा ये दोनों करने के बाद देखो अब ये पाइन कोन का जिक्र कर रहे हैं, पाइन कोन क्या चीज आ गई? अच्छा लास्ट टाइम मैंने बताया था पाइन कोन क्या है, वो तो है लेकिन किस टाइप का डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस, वेक्टर क्या होता है? हाँ लेकिन बाकी डेटाबेस से क्या अलग है? सही, वो इन शॉर्ट जब भी मुझे बोलो कि आपके डेटा को चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो आपके जो मेन जो मैट्रिक्स है ना उसको रिकॉग्नाइज ना कर सके। अब जैसे वहां पे MongoDB की मिसाल दे सकते हो कि भाई आप जो करते हैं डेटा सेव आपका डायरेक्टली
किसी एक जेसन के फॉर्मेट में या किसी एक डेटा मतलब यानी कि आपने जो दिया वो उसी फॉर्मेट में आपके पास सेव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी इशू होता है, कोई डेटाबेस में घुस गया उसने डेटा डिलीट करे तो पूरी एप्लीकेशन से उसका चेंजेस हो जाएगा, तो यहाँ पर वो बेनिफिट क्रिएट करते हैं। अच्छा भाई अब मैं आ जाता हूँ पाइनकॉन पे, तो पाइनकॉन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पाइनकॉन की वेबसाइट pinecon.io में, ठीक है, तो सिंपली मैं इसको करूंगा लॉग इन। हाँ चले ठीक है, तो हमने लास्ट में एक इंस्टेंस ऑलरेडी सॉरी एक इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था, तो मैं क्या करूंगा इसको कॉपी कर लूंगा क्योंकि हमें API की चाहिए और साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी चाहिए, देख रहे थे पाइनकॉन को कनेक्ट करना है, ठीक है गेट में पाइनकॉन ठीक है, पाइनकॉन की API की मैंने ऐड कर दी। अच्छा एनवायरनमेंट आपको ना मेंशन कर रहा होगा यहाँ पर कि आप किस एनवायरनमेंट पे मतलब ये GCP पे क्या हुआ है, अच्छा AWS का ऑप्शन होगा, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आए होंगे। अच्छा ये देखो ये आ गया पाइनकॉन, अब पाइनकॉन इंडेक्स, तो इंडेक्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है चैटबॉट रखा हुआ है, अब इंडेक्स का नाम किस तरह से देखो कि मैं इसको ऐसे खोल देता हूँ ताकि ठीक है, जो आपने इंडेक्स क्रिएट किया था ना तो आप इस तरह से अपने इंडेक्स को चेक कर सकते हैं इंडेक्सेस के ऑप्शन में, तो प्रोजेक्ट बना हुआ है आपने हिट करना है इंडेक्सेस, ठीक है यहां तक क्लियर, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, क्लियर है। अच्छा भाई सब चीज हमने कर लिया, ये भी हो गया ये भी हो गया, अच्छा टेम्परेचर 0.9 कर लो या कुछ भी, मैं 0.9 कर लेता हूँ, ठीक है API की यार ये एक तरीके से आप जैसे तो NLP में कॉन्सेप्ट होता है ना कि पिच का, इसी तरीके से AI की यहाँ पे रिस्पॉन्सेस का ना टेम्परेचर होता है कि ये इतने पावरफुल रिप्लाई बेस्ड करे, तो 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर 1 तक का ऑप्शन होता है। अच्छा इसको कहाँ से वेरीफाई करोगे, आ जाओ तुम platform.openai.com, इसमें ऑप्शन होता है प्लेग्राउंड का, अच्छा इस पे अकाउंट नहीं बना, गुलाम मुस्तफा का अकाउंट होगा ना हमारे पास, जिंदाबाद भाई। अच्छा भाई ये प्ले ग्राउंड का ऑप्शन है, अच्छा इन्होंने फाइन ट्यून भी ये ऐड किया, पता नहीं मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो अच्छा देख लो आगे अब आप लोगों को खुद सक्सेस दिख रहा होगा, अब देखो ये लास्ट टाइम ना 1 तक था, अब टेम्परेचर भी इन्होंने बढ़ा दिया, तो 2 कर दिया, पहले 1 था अब 2 कर दिया। अच्छा इंडेक्सेस का भी मैक्सिमम लेंथ मतलब ये सारी चीजें भी सेट कर सकते हो, और मतलब इसके इससे ये होता है कि ना आपके जो मैसेजेस है ना उसका रिस्पांस कितना पावरफुल आ रहा है या कितना ऑथेंटिक आ रहा है। अच्छा भाई ये हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ सेव, जो भी चेंजेस हुई है तो हाँ शुगर उड़ा नहीं है ये। अच्छा भाई अब मुझे क्या करना है, मैंने OpenAI की किट लगा दी, ये मैंने बता दिया कि भाई 3.5 टर्बो यूज करो, चैटबॉट API OpenAI की पाइनकॉन API, मैं करता हूँ टेस्ट इसको, मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया उसके बारे में जरा बताओ वो है क्या, तो देखते हैं क्या रिप्लाई करता है, अगर कोई एरर होगा या कुछ होगा तो वो मुझे बता देगा कि भाई ये मसला, तो थोड़ा सा बर्दाश्त होना पड़ेगा, हम गरीब वाले यूज कर वो फ्री वाले यूज कर रहे हैं, क्या कहने यार। अच्छा भाई मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है इस पे डिप्लॉय, लेकिन मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता होगा क्योंकि मैं सारे सेशंस पे रखता हूँ,
चलो यार छोड़ो फिर कभी, मजे की बात आज मैं अपना सेलफोन भी नहीं लेकर आया हूँ तो। हाँ बड़े लोग नहीं भाई, मुझे फ्री है वो मिला हुआ अभी तो बताया। हम भी जुगाड़ ढूंढते हैं, पहले पाकिस्तानी है भाई, पैसे कौन लगे। अच्छा खैर अजय तो वो रिप्लाई दे रहे, तो मैं क्या करता हूँ इसको हम वेबसाइट पे लगा दे कि भाई ये वेबसाइट भी किस तरह से ऐड होगा, क्योंकि एट दी एंड हमने क्या करना है वेबसाइट पे ही लगाना है। तो हाँ कैसी हुई ऐप, जवाब दिया है लेकिन देखो तुमने। अच्छा ये देखो ना ये बॉट का रिस्पॉन्स नहीं है, नहीं करो भाई ऐसी जवाब नहीं आ रहे। हाँ देखो अभी ये अब डायलॉग फ्लो में तुम ये बनाते कितनी देर में बनाओगे। मैनीचैट यार वो पेड है, उसका प्रो वर्जन है सारी चीजें। अब जैसे मैनीचैट की बात करो वो भी अच्छा है, बहुत लोग कंपेयर करते हैं डायलॉग फ्लो विद मैनीचैट। अच्छा मजे की बात है मैनीचैट ने डायलॉग फ्लो का खुद वो दे बना दिया। अच्छा इसमें व्हाट्सएप की भी वो है, वो सारे प्रो में सारे मतलब यानी इनका जो प्रो फ्री वाले में नहीं है व्हाट्सएप। नहीं मैंने क्या पता अब आ गया हो, क्योंकि इनका लोगो वगैरह भी अपडेट हो गया, पहले जब इनका जो पुराना वर्जन था ना बहुत ज्यादा मतलब वो था। लेट्स सी हाँ व्हाट्सएप ऐड क्या है तो देखते हैं उसको, देखते हैं अभी देख लेते हैं मसला नहीं है। लेकिन फिर वही बोलोगे यार एक चीज हम कर रहे थे इसको एंड में देखेंगे, अभी बाद में देख लेते हैं। हाँ अचार बन जाते हैं तो अचार बनना बनाना नहीं है हमें। हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प, अजान हो जाए। अच्छा भाई अभी आप लोग कह रहे थे जैसे कि भाई इसको यूज क्यों करें जब डायलॉग फ्लो एरर आया है। अच्छा इसमें नेम स्पेस भी मैं बता दूं, ठीक है तो शायद अब चल जाए। पाइनकोन इंडेक्स चैटबॉट ठीक तो है, नेम स्पेस का यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं आ रहा ना, ठीक है। हाँ डायलॉग फ्लो और इसमें क्या डिफरेंस है मैं इसका बता रहा था। अब देखो डायलॉग फ्लो में क्या है, अगर आपको अपने डेटा के ऊपर बनाना है ना तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है CSV और HTML का। लेट्स से आपके पास डॉक्यूमेंट PDF के फॉर्मेट में, वहां पे आप इसको अपलोड नहीं कर सकते। इवन अगर आपको AI, अच्छा अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरी वेबसाइट का डेटा स्क्रैप करके AI असिस्टेंट बनाकर दे दे, 2 मिनट का काम है अभी हम करके दिखाएंगे, 2 मिनट में वो काम हो सकता है। इसमें क्या है इन्होंने चीरियो या ऐसी करके कोई बनाया हुआ है, वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करके लाइव डेटा स्क्रैप करके वो आपको। हाँ बिल्कुल हाँ होस्टिंग से उसका कोई इशू नहीं। डिप्लॉय
हाँ भाई होस्टिंग मैंने बोला ना, कोई भी होस्टिंग। नहीं उनके लिए कोई मसला नहीं है, $60 क्या मसला है, वो तो $20 से ऊपर की तो स्टारबक्स भी जाते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं। एरर वेक्टर, अच्छा वेक्टर डायमेंशन में एरर है यार, तुम लोग बोल रहे हो कि इंडेक्स का इशू, बोले 1535 रखो वेक्टर की जो डायमेंशन है ना, हमने रखी हुई है 1033, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको करना पड़ेगा एडिट कॉन्फ़िगर में जाकर, बल्कि मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई अपडेट का ऑप्शन रखा हुआ नहीं, टर्मिनेटिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। बिल्कुल सही, वैलिड है। डायमेंशन ये होती है कि एक तरीके से मैं बताता हूँ, यहाँ पे बता रहा होगा डायमेंशन का, ठीक है। डायमेंशन देखो वेक्टर के फॉर्मेट में डेटा तोड़ता है, ठीक है, वो वेक्टर के फॉर्मेट में डेटा तोड़ने के बाद ना एक मैट्रिक्स बनाता है। मैट्रिक्स पढ़े हो ना 9, अभी तो कौन सी क्लास में, 8 में नहीं पढ़े हैं, मैट्रिक्स रॉ कॉलम वगैरह इस तरह की चीजें वो आती है मैट्रिक्स 9 में, 8 में तो आ जाती है मैट्रिसेस, नहीं पंजाबी में होता है ये, हाँ रॉ कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, वो लेवल है तो तुम्हारे इसमें डिमार्क्स रूल और पता नहीं, यूनिवर्सिटी में हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ा, खैर आखिरी दिन पढ़ते तो अब तो याद नहीं है, तो और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं अगर ओ ए लेवल्स कर रहे हो, खैर समस्या नहीं है। अच्छा अब ट्राई करते हैं जरा, क्योंकि डायमेंशन का जो एरर था ना वो हमने रिजोल्व कर दिया। अच्छा एपीआई की वगैरह तो वही रहेगी क्योंकि हमारा सिर्फ वो चेंज हुआ है डायमेंशन, तो मैं क्या करता हूँ पूछता हूँ, हैं अपसेट एरर रिक्वेस्ट नेम स्पेस इज नॉट सपोर्टेड बाय द करंट टाइप स्टार्टर, चलो मैं हटा देता हूँ इसको, स्टार्टर स्टार्टर का कहीं भी जिक्र है क्या, एक मिनट इंडेक्स पे आकर पॉड नेम, हाँ ये पॉड नेम स्टार्टर सिलेक्ट, चलो खैर ट्रेंडर को मिली है $50 मिलियन, ये तो ओपन सोर्स है, पता नहीं कब तक ओपन सोर्स है लेकिन अभी तो ओपन सोर्स है। हाँ आप उसको लोग पानी में देना, 7 मिनट बाकी है यार, आज मजे की बात मैं मोबाइल भी भूल गया वरना तो। अच्छा खैर एक काम करता ना, मैं इसको लोकल पे देख लेता जब तक लोकल पे इसका क्या चल रहा है। अच्छा भाई क्लियर कर देता हूँ, एंड क्लियर करने के बाद npx flow wise start ये कमांड था शायद, नहीं ना हम क्या करते हैं, हम एक काम ये करते हैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट इसी पे अपलोड कर देंगे।
यार अभी तुम लोग ना इसपे ऊपर मैसेज दे दो, हाय देयर का मैसेज। नहीं नहीं मैं नहीं दिया इसको। अच्छा शुरू में इतना मतलब टाइम नहीं लेता था, मैंने फ्री वाला यूज किया है पहले, मैंने फ्री वाला ही यूज किया है, लेकिन मे बी पॉसिबल अब लोड ज्यादा है। PDF AI। अच्छा हमने देखो ये इन्होंने ना लोकल पे ऑलरेडी सेव किया हुआ है सारी चीजें, हमने लास्ट टाइम जो किया था इन्होंने इसने अभी तक सेव किया हुआ है। तो इंडेक्स में बदल देता हूँ चैटबॉट, और ये तो कोई इसने क्रेडिट मतलब यानी कि लोकल पे मेरे पास जो चल रहा था ना लास्ट टाइम उसने सारी चीजें सेव की हैं। ये देखो जवाब आ गया वहां से 12 को भाई, जवाब आ गया। हाँ ये लोकल पे है क्योंकि ये चल रहा है यार बेचारा गुर्बत में। तो इसमें पता नहीं क्यों ये स्टार्टर का एरर दे रहा है। एक काम करता हूँ मैं जरा देखता हूँ, ये पैरामीटर्स में कुछ भी नहीं डिफाइंड है, तो हम भी क्या करते हैं यहाँ से भी ना ये एडिशनल पैरामीटर्स डिलीट कर देते हैं। अच्छा अब ये बिलाल करके जो है इस पे देखते हैं डॉक्यूमेंट में है क्या चीज, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये है ना कि भाई हमें डॉक्यूमेंट से रिस्पॉन्स। अच्छा नमाज के लिए चलो फिर वापसी पे आकर हम करते हैं, नमाज का टाइम हो गया, नमाज से आके फिर करते हैं। आई एम सॉरी बट बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट आई डोंट इंफॉर्मेशन टू हेल्पफुल हाउ दे डू यू वॉट इज डेट टाइम फंक्शन। ये देखो ये डॉक्यूमेंट से रिप्लाई कर रहा है, बेस्ट चल गया। ये डिप्लॉयड वाला देख लो भाई चल गया, जो डिप्लॉयड वायरल थी ना वो हमारे पास चल गई है। तो डेट टाइम मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये कुछ डेट मतलब यानी कि उसके ऊपर बना हुआ है, तो ये उससे रिप्लाई कर रहा है। अच्छा भाई मैं वीडियो बंद कर देता हूँ।